नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कर्म और फल। गीता में ये कहा गया है कि कर्मण्यवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने ये कहा कि कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, लेकिन उसके फल में तेरा अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि आदमी कर्म से ही अपना भाग्य बनाता है, सुख और दुख उसके कर्मों का ही फल है। तो क्या होते हैं कर्म सिद्धांत, किस तरीके से कर्म हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी जी, आज फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज का जो विषय है वो बहुत ही सूक्ष्म और गहन है, कर्म और फल। इसके बारे में हमने बहुत अनेका अनेक बातें सुनी है, तो पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कर्म और कर्म फल ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो सारी सृष्टि है ये कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब है खेत। जैसा हम खेती में बीज लगाते वैसा फल मिलता है जी। आज आप अगर गेहूं बोएंगे तो आपको चावल नहीं मिलने वाला है, गेहूं मिलेगा जी। तो उसी प्रकार इस सृष्टि रूपी स्टेज के ऊपर, खेत के ऊपर, कर्म क्षेत्र के ऊपर हम जैसा कर्म करते हैं वो कर्म नहीं करते, परंतु हम भविष्य के लिए बीज बोते। अगर हम अच्छा बीज बोते, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमको अच्छा मिलता है। अगर हम खराब कर्म करते हैं तो उसका फल हमको खराब मिलता है जी। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे को फल मिलता है। और हमारे को अगर अच्छा फल चाहिए और ज़्यादा फल चाहिए, क्योंकि हर एक तो ज़्यादा लाभ भी चाहेगा ना, तो उसके लिए भी सिद्धांत होते हैं। जैसा देखो अभी खेती करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह डालते हैं, खाद डालते हैं, क्या क्या बहुत कुछ करते हैं ना उसके लिए। तो उसी प्रकार हमारे को भी हम देखते हैं कि हमारे को अच्छा फल मिले, ज़्यादा फल मिले, तो उसके लिए क्या करना है, कौन कौन से कर्मों से हमारे को अच्छे फल मिलते हैं जी, कौन सा बीज हम बोए उसके लिए। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमेशा सुखदायी कर्म करें जी, सुखदायी बीज बोए। हम सिर्फ अपना नहीं सोचे परंतु औरों को भी इस कर्मों से फायदा होना चाहिए जी, हमारे कर्मों से औरों को भी सुख मिलना चाहिए, ये लक्ष्य रख के अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे को सदा ही सुख मिलता है जी। हम जो भी कर्म करते हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म हमारा इतना फायदेमंद हो गए जो सामने वाले को कभी भी उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी नुकसान नहीं हो और उसको भी नुकसान नहीं हो, दोनों का फायदा हो। और जो हम कर्म करते हैं वो हमको लाचारी हालत से नहीं करना चाहिए। लाचारी हालत से कर्म करते हैं तो उसका फल ज्यादा नहीं मिलता जी, 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 जी। क्योंकि लाचारी हालत से कर्म करेंगे तो ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है जी। कोई भी कार्य करना होता है आप उस कार्य को उमंग उत्साह से करेंगे ना तो उसकी सफलता ज्यादा होती है, जैसे कई मजबूरी से करते हैं, कर्म की शक्ति भी बढ़ जाती है जी, 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 जी। और अगर समझो आप लाचारी हालत से इस फलाने ने बोला इसलिए करना है ऐसा समझ के करेंगे तो क्या होता है, उसकी कार्य हमारी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है और उसका फल भी इतना नहीं मिलता। बिल्कुल, इसीलिए हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो हमेशा हमारे को उमंग और उत्साह से करना चाहिए जी। उसके बाद हम देखते हैं हम ईश्वरीय याद में रह कर के कर्म करते हैं तो उसका फल हमारे को सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो दाता है, तो दाता हमारे को सदैव देता ही देता है, कई गुना करके हमको देता है वो। हम जब ही उसकी याद में रह के कर्म करते हैं और हमारे कर्म जो है
पूजनीय कर्म बन जाते हैं। आज भी आप देखो देवी देवताओं के हर कर्म की पूजा हो रही है जी। कहेगी अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम की अलग पूजा होगी, इष्ट देवों की। आज देवताओं को भोग लग रहा है उसकी अलग पूजा होगी, आज देवताओं का श्रृंगार हो रहा है उसकी अलग पूजा होगी। तो ये अलग अलग हर कर्म की उनकी क्यों पूजा हो रही है? क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय याद में रह के कर्म किए। बिल्कुल। तो वैसा ही हम जब ईश्वरीय याद में रह के कर्म करते हैं तो हमारे कर्म हमेशा श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो हमारे कर्मों में वो शक्ति आ जाती है, उस शक्ति के आधार पर हमारे कर्मों में वो श्रेष्ठता आ जाती है। जी जी जी। और हमेशा हम जो भी कर्म करते हैं वो निस्वार्थ होकर के कर्म करना चाहिए। स्वार्थ रख के कर्म करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आप निस्वार्थ बन करके पीछे कर्म करेंगे तो उसका फल कई गुना हमको ज्यादा मिलता है जी। क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, परंतु उसमें अगर मेरा स्वार्थ है, मेरा इसमें नाम होना चाहिए, मेरा इसमें मान होना चाहिए, तो ये जो मेरा स्वार्थ है, ये स्वार्थ, ये समझो शोई पिक्चर हो गया जी। ये सिर्फ शो के लिए हम कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको सेवा नहीं कहेंगे जी। ये तो व्यापार हो गया कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं ये करेगी, ऐसा हो गया जी, जी। तो इसीलिए उससे फल इतना नहीं मिलता है, परंतु हम जब निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं तो उसका हमारे को फल बहुत मिलता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जिनको आवश्यकता है उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो उससे क्या है, हमारे को उनकी आशीर्वाद मिलती, तो वो हमारे को आशीर्वाद जो है वो हमारे को बहुत कुछ फायदा दिलाती जी, 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 जी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि जो भाग्य है, भाग्य बनाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है ना, तो भाग्य बनाने के लिए त्याग करने की आवश्यकता, त्याग से भाग्य बनता है। तो किस बात का त्याग करना है? एक तो सबसे पहले हमको 5 विकारों का त्याग करना है जी। अभी मनुष्य क्या समझते हैं कि इन विकारों के बिगर तो दुनिया ही नहीं चलने वाली है जी। ऐसा कैसा होगा, हम अगर मोह छोड़ देंगे तो बच्चों की पालना कैसे करेंगे, अगर हम लोभ छोड़ देंगे तो धंधा कैसे करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज आप देखो हॉस्पिटल में भी नर्सेस बिचारी पेशेंट की कितनी सेवा करती है जी। पेशेंट ठीक होके जाता है, वो उसके मुंह से निकलता है अरे मेरी माँ ने भी इतनी सेवा नहीं किया जितनी इस नर्स ने की। बिल्कुल। परंतु अगर उस पेशेंट वो शरीर भी छोड़ देता है, मर भी जाता है, तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो तो निस्वार्थ होकर के, न्यारी होकर के सेवा करती है। तो अगर वो न्यारी होकर सेवा कर सकती है तो हम भी न्यारे होकर सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जितना जितना हम न्यारे बन के सेवा करते हैं, अर्थात हम ट्रस्टी बन कर के सेवा करते हैं, तो ये जो विषय विकार है ये छूटते जाते जी। अगर हम ट्रस्टी बन के सेवा नहीं करते हैं तो फंसते जाते हैं, गृहस्थी बन के रहते हैं तो फंसते हैं, परंतु जितना ट्रस्टी बन के सेवा करते हैं तो हमारा जो भाग्य है वो ऊंचा बनता जाता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे को अपना ममत्व छोड़ने की आवश्यकता है, हमारे अंदर जो भी अटैचमेंट है उसको छोड़ने की आवश्यकता है, डिटैच होने की आवश्यकता है। जितना जितना हम देह से न्यारा होकर के कर्म करते हैं वो कर्म हमारे श्रेष्ठ बनते हैं, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता है, कर्मों से भाग्य बनता है। बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो त्याग है वो त्याग क्या है। वो त्याग ये 5 विकारों में वैसा देह अभिमान भी आ जाता है, परंतु ये जो देह अभिमान का त्याग है कि मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ मैं फलाना हूँ, ये इसका त्याग करने की भी बहुत आवश्यकता है। जब हम उसमें आ जाते हैं ना कि मैं तो राजा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं टीचर हूँ, ये इसमें जब ये आ जाते हैं ना, इसके भान में फिर कर्म करते हैं, तो उससे क्या है, अभिमान के कारण वो कर्म जो है उसका फल नहीं मिलता जी। परंतु इस अभिमान से न्यारा होकर के जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म सुखदायी होते हैं, सामने वाले को फायदा देने वाले होते हैं। हम सेवक हैं, सेवक समझ के कर्म करके देखो कितना फायदा है जी। बिल्कुल। और तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारे को जो भी पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्तियां हुई है, किसी को धन मिलता है कहते हैं पिछले जन्मों का, जन्म से ही देखेंगे तो बहुत शाहूकार घर में वो जन्म लेते हैं ना, कहते इसके पिछले जन्म के देखो ऐसे कर्म है
जो ऐसे घर में जन्म लिया। कोई प्राप्तियां हमारे को पिछले कर्मों से होती है और कोई कोई प्राप्तियां जो है यहाँ पर हमारी कुशलता से, हमारी मेहनत से, हमारी कलाओं से होती है जी। तो ये जो भी हमको प्राप्तियां होती है ना, इसमें कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, इसका त्याग करने की आवश्यकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसमें अभिमान आता है तो इसका फल नहीं मिलता है। परंतु जिस समय पर हमारे को, हम इससे न्यारे होकर के और ये सारी ईश्वरीय देन है ऐसा समझ करके कर्म करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा हमारे को फल मिलता। जी जी जी। तो इसीलिए ईश्वरीय देन समझ के करो, विकारों से रहित होकर के कर्म करो, गृहस्थी नहीं पर ट्रस्टी बन के कर्म करो, तो इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। जी जी जी। ईश्वरीय याद में रह के कर्म करो तो बड़ा भाग्य बन जाता है। जी जी जी। निस्वार्थ होके सेवा करो तो बहुत ही प्राप्ति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि है, जिसका फल हमेशा श्रेष्ठ ही होता है। हमेशा सर्व का भला सोचो, हमारा एक गीत भी है, करते चलो सबका भला, जीवन जीने की यही कला। जी बिल्कुल। जीवन जीने की ये कला है, आप औरों का भला, सबका भला करो, किसी का भी कभी भी बुरा नहीं सोचना, और भले का तो हमेशा भला ही होता है। जी जी। जब हम औरों का भला सोचते हैं तो हमारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिसका फल जो है वो शक्तिशाली होवे, जिसका फल अच्छा हो। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं। एक बारी एक आदमी ने, उसका छोटा बच्चा था, उसको कुछ पैसा दिया, बोला बेटा जाओ जाकर के दुकान पर से, मार्केट में से फलाना फलाना फल लेके आओ। वो चला गया, चला गया। काफी समय के बाद खाली हाथ आया। बाप ने पूछा, बेटा मैं फल कहाँ है, मैंने तेरे को पैसा दिया था, फल कहाँ है? तो बोला मैंने फल लाया है। तो बाप ने कहा कहाँ है फल? तो उसने कहा मैंने फल नहीं, मैंने तो अमर फल लाया है। तो उसने कहा अमर फल क्या होता है? तो बोला मैं जब भी गया ना पिताजी रास्ते में, तो दो चार बच्चे थे, वो भूख से बहुत व्याकुल हो गए थे, तो मैंने वो पैसा उनको दे दिया, खाना लेके दे दिया मैंने उनको, और वो उनको दे दिया, तो ये अमर फल हो गया ना। जी। तो उसने बच्चे ने, इस छोटे बच्चे को भी समझ में आया कि हम जाके फल खावे, उससे तो ये बेचारे भूखे हैं। बिल्कुल। तो ये जो उसने कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, तो उसका फल उसको कितना मिलेगा। जी जी जी। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये देखना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसकी हमारे को पूर्ति करनी है, जिसको हमें मदद करना है उसको हमको सहयोग करना है अच्छे कार्य में। ये अगर ध्यान में रख के चलते हैं तो उन कर्मों का हमारे को बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, एक आज के टाइम में हम देखेंगे तो आज के टाइम में कई ऐसे सिचुएशंस आती हैं, लोग कहते हैं कि देखो फलाने व्यक्ति ने तो जिंदगी में किसी को दुख तक नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दी, उसने सबका बुरा कभी सोचा ही नहीं, हमेशा लोगों का भला किया, लेकिन इनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो लोगों का मन जो है एक देखा जाए विश्वास उठना शुरू हो जाता है, फिर वो भगवान पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, भगवान इस व्यक्ति ने तो ऐसा कभी कुछ किसी को जिंदगी में दुख नहीं दिया और तूने इसको दुख क्यों दे दिए, दूसरे लोग इसको तंग कर रहे हैं। तो ऐसे में भी क्या कर्म गति ही आती है सामने? कर्म गति आएगी ना ऐसे में, इस जन्म का नहीं, क्योंकि हमारा अनेक जन्मों का है ये खाता। जी। उसके लिए वो धृतराष्ट्र का बताते हैं ना, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हुआ? जी। तो उसको बताया गया, उसने कहा ये तेरे कर्मों का फल है तू अंधा। बोला मैंने तो कभी किसी से खराब कुछ किया ही नहीं, फिर मैं क्यों अंधा हुआ? तो उसको पीछे के जन्म बताए, पीछे के जन्म बताए तो उसमें किसी में भी कुछ नहीं किया हुआ था उसने, एक जन्म बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, कुछ नहीं किया था। फिर जब और भी पीछे गया, और भी पीछे गया काफी जन्म पीछे, तो उसमें एक ऐसा दृश्य बताया कि एक जंगल है और जंगल में एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा चंचल है, वो एक पर से पेड़ पर उतरता है, चढ़ता है, दूसरे पेड़ पर चढ़ता है, तीसरे पेड़ पर, ऐसा करता रहा। और एक पेड़ पर चढ़ा तो वहां पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया था, ये चंचल बच्चा था जी। उसने देखा उसमें छोटे छोटे बच्चे थे चिड़िया के, वो बच्चे वहां रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। तो इसने क्या किया, चंचलता से एक पेड़ की ऐसी ये लिया, तो ये क्या बोलते, टहनी लिया पतली सी, और उस टहनी से उन बच्चों की आंखें फोड़ दी। तो इसको बताया कि ये तुम्हारा
कर्म फल जी जी जी। तो बोला ये तो मेरे को इतने जन्म हो गए, 8-10 जन्म हो गए, उसके बाद ये कर्म फल मिला, उस समय क्यों नहीं मिला मेरे को तुरंत दूसरे जन्म में जी। तो उसको समझाया गया कि देखो ऐसा है, पहले तुमको नहीं मिला, इस जन्म में क्यों मिला, क्योंकि जब तेरा पुण्य क्षीण हो गया उस समय तेरे पाप ने सिर ऊपर किया जी। तो कोई भी कर्म फल से कभी भी छूट नहीं सकता है जी, बिल्कुल, चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे। तो इसीलिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि इसको कुछ नहीं होता है और इसको बहुत कुछ होता है, जो अच्छा करता है उसको बहुत कुछ होता है, जो बुरा करता है वो बड़ा मजे में रहता है, नहीं जी, जी। उसको वो भी छूटने वाला नहीं जी। बिल्कुल, आज के टाइम में यही कहते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन के लोग सब गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना उनको कोई पुलिस पकड़ रही है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहे हैं, वो लोग मौज कर रहे हैं, और जो ईमानदार व्यक्ति है वो जो है वो परेशान हो रहा है। तो इस तरीके की बातें आती हैं तो लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता देखो, है। देखो ऐसा है ना बहन जी, ये जो जिनको पुलिस ने पकड़ती है ये नहीं करती, आप उनकी दिनचर्या देखना क्या होती जी, उनको कितना टेंशन है वो देखो सामने से नहीं, ये जो चकाचौंध है ना, चकाचौंध को नहीं देखो, उसके अंदर में देखो, ऐसी ऐसी बीमारियां उनको लगी हुई है, सब पदार्थ है, 36 प्रकार का भोजन खा सकते हैं परंतु कुछ भी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हाँ बिल्कुल, नींद की गोलियां ले लेके सोते तो भी नींद नहीं आती है, बेचारों डनलप के गदेलों पर सोते नींद नहीं आती है, लोग मिट्टी में सो रहे तो भी आराम से नींद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो पाप करते हैं उसका उनको इधर भी मिलता है और आगे भी मिलता है, छूटते जी, नहीं जी, जी। दीदी जैसे व्यक्तियों को जब कर्म और उसकी कर्म फल की भोगना के बारे में पता चल जाता है कि ये जो मेरे जीवन में दुख आया है तो मेरे ही कर्मों का परिणाम आया है, तो अब वो उनका निवारण करना चाहता है, उससे जो भूल हुई वो चाहता है कि अब वो उस चीज से छूटे, तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए श्रेष्ठ कर्म करना है, उसके लिए हमारे को दूसरों को सुख देना है, उसके लिए ईश्वरीय याद में रहना। जी जी जी, उसका यही उपाय, एक ईश्वरीय याद में रह के पाप कर्म दगद करने, जी जी, एक तरफ हमारे को सुख दे करके वो खाता हमारा जमा करना। कई बार दीदी ऐसा कर्मों की भोगना इतनी कड़ी आती है, कई कई घरों में तो हम ये देखते हैं कि ना रिलेशनशिप का उनको कोई सुख है, ना धन का कोई सुख है, ना शरीर का कोई सुख है, शरीर में भी रोग है, थोड़ा बहुत पैसा है वो भी जो है शरीर की बीमारियों में खत्म हो जाता है, तब देखने में यही आता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में कोई बहुत ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से हर तरीके से हर जगह से चारों तरफ से दुख आता है। होते हैं ऐसे, होते हैं जी, किसी को चारों तरफ से सुख मिलता है, किसी को चारों तरफ से दुख। ऐसे में व्यक्ति क्या होता है फिर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ऐसे अंदर ही अंदर क्या होता है, वो भगवान को दोष देता रहता है। हाँ जी जी, परंतु वास्तव में देखा जाए भगवान को दोष देने से और भी ज्यादा भोगना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल सही, भगवान को दोष देने के बजाय भगवान का चिंतन करना, उसको याद करना है जी। वो दुख हरता सुख करता है, जो है ही दुख हरता सुख करता, वो तुमको दुख कैसा देगा जी, जी अगर जी। वो दुख देने वाला है तो तुम उसको क्यों बुलाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या हमारे दुख हरो, तो उसने दुख नहीं दिया, मेरे कर्मों ने दुख दिया है, इसीलिए मुझे अभी श्रेष्ठ कर्म करने, कोई भी जब ये हम कार्य करते हैं तो लगन से करना चाहिए जी, अगर लगन से नहीं करते ऐसा ही ऊपर ऊपर से काम उतारने के लिए करते तो उसकी प्राप्ति हमको नहीं होती जी जी जी। पर जो भी कार्य हम लगन से करते हैं, मन लगा करके करते हैं, तो उससे हमको सफलता भी मिलती है, सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, संतुष्टता भी होती है और सामने वाले को भी संतुष्टता होती है। तो जितना जितना जिसने मुझे कार्य सौंपा हुआ है अगर हम लगन से कार्य करते हैं तो उसका मेरे ऊपर विश्वास भी बैठता है और वो आत्मा संतुष्ट होती है, तो उसका जो फल है वो मेरे को ज्यादा मिलता है। परंतु हम ऐसा ही कर डालते हो कार्य को तो उसमें सफलता भी नहीं होती है जी जी, मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए जिस कार्य को करना है उसके पीछे लग के बरोबर हमको कार्य करना चाहिए, हमारा कार्य जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ये हमें जो काम हाथ में लो उसको पूरा करो, आधे में छोड़ना नहीं चाहिए। किसी किसी को आदत होती है थोड़ा इसका करेगा, थोड़ा वो बोलेगा, उसका करेगा, अरे इसका छोड़ के उधर भाग रहा है, ये क्या कर रहा है तुम? बिल्कुल एक का ही करो ना तुम, ठीक रीति से करो तो किसी को तो सेटिस्फेक्शन होगा ना उससे। जी जी जी,
तो लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए लगन से कार्य करने की आवश्यकता है। जी, जी, जी। फिर इसीलिए कितने भी बड़े बड़े काम हो गए ना, उसी व्यक्ति को देंगे, बोलेगे इसको बहुत लगन है कार्य करने की, और जो लगन से नहीं करते उसको नहीं देते। हाँ, बोलते अरे ये तो घड़ी घड़ी भागता रहता है, ये तो छोड़ के चला जाता है, ऐसा होता है। जी दीदी, और अंत में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें क्या जीवन जीने की कला के जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए? देखो ऐसा है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कला यही है, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं, शांतिदाता के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे को सर्व को देना सीखना है। लेने की कभी भी हमको किसी से अपेक्षा नहीं रखनी। तो जितना जितना हम देने का ध्यान रखते हैं कि हमें औरों को सुख देना है, औरों को शांति देनी है, औरों को आनंद देना है, औरों को शक्ति देनी है, तो ये जो देने की भावना है, दातापन की भावना, ये दातापन की भावना ही जीवन जीने की कला। इससे हमारे को हमारा जीवन भी सुखी होता है और सामने वालों का जीवन भी सुखी होता है। इससे हम बहुतों को फायदा कर सकते हैं, हम अपने समय को सफल कर सकते हैं। हमारे पास जो विशेषताएं, हमारे पास जो शक्तियां हैं, वो हम दूसरों को देते हैं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जी, जी जी, फायदा मेरे को ही होता है उससे, दूसरे को तो जब ही होवे तभी होवे, परंतु मेरे को ही उसका फायदा ये होता है। जी, जी जी, क्योंकि ये जो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये जितना जितना हम बांटते हैं उतना उतना बढ़ती है। आप किसी को भी खुशी देंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी। धन देते हैं तो धन खलस हो जाएगा, परंतु खुशी देते हैं तो खुशी बढ़ती है, आनंद देते हैं तो आनंद बढ़ता है। ये गुणों का दान ऐसा है। जी जी जी। तो इसीलिए जैसा परमात्मा दाता होने के कारण पक्षपात नहीं करता है, सभी को देता ही देता है, उसका सबके साथ समान प्यार है, वैसा हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए, सबके साथ समान दृष्टि रहे, सबको देना ही है हमको, किसी से लेना है ये कभी भी सोचना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आज इस विषय पर आपने इतनी रोचक और इतनी सुंदर बातें बताई हैं कि किस तरीके से जो कर्म है वो हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, और हमें ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जो भाग्य है वो श्रेष्ठ बन सके। दीदी इस चर्चा करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, अपने भाग्य को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, दीदी जी ने आज बहुत सारी बातें इस विषय पर बताई हैं। यदि हम निस्वार्थ भावना से कर्म करते हैं, हम दूसरों को सुख देते हैं, ईश्वर की याद में कर्म करते हैं और विकारों से मुक्त होकर के कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म का भाग्य जो होता है, ऐसे कर्म का जो फल होता है वो श्रेष्ठ होता है। हमें हमेशा दातापन का भाव रखना चाहिए, दूसरों को खुशी देनी चाहिए, सुख देना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। क्योंकि दीदी जी ने आज बहुत सुंदर बात बताई कि यदि हम गेहूं बोएंगे तो उसमें चावल कभी नहीं निकलेगा, तो इसी प्रकार यदि हम कांटे बोएंगे तो कांटे ही आएंगे और फूल बोएंगे तो फूल आएंगे। तो यदि हम अपनी जीवन को फूलों की तरह महकता हुआ देखना चाहते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म करें, सुंदर कर्म करें, दूसरों को खुश रखें। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।